नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वशीकरण लेके आई हूँ वो इतना सरल और इतना प्रचंड है कि आप सोचेंगे कि सिर्फ ऐसे भी वशीकरण हो सकता है, इतना सरल बिना किसी सामग्री से, सिर्फ एक मंत्र के माध्यम से। तो सोचिए वो मंत्र कितना प्रचंड होगा जो सिर्फ अपने आप में इतना प्रचंड है कि सिर्फ जब आप उसका सिमरन करेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपका हो जाएगा। कभी सोचा है आपने कि ऐसा भी हो सकता है बिना किसी सामग्री से? क्योंकि सब कहते हैं वशीकरण बिना सामग्री के संभव नहीं है, लेकिन हम आपके लिए ऐसे प्रचंड वशीकरण लेके आते हैं जो बिना सामग्री के हो सकते हैं। क्योंकि हमारी कई माताएं बहनें, कई पुरुष, कई भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम कोई सामग्री एकत्रित नहीं कर सकते, या माताएं कहती हैं कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमें वशीकरण की आवश्यकता है क्योंकि हमारे घर की जो स्थिति है वो बिगड़ गई है और हमें उस स्थिति को सुधारने के लिए एक वशीकरण की आवश्यकता है। इसके बिना हमारे घर की स्थिति सुधर नहीं सकती, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब अपने दूर हो जाते हैं। घर में तो साथ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी हाँ, अगर इन्हीं दूरियों को आप कम करना चाहते हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपकी प्रेमिका किसी और की तरफ आकर्षित हो रही है और आप नहीं चाहते कि वो किसी और से बात भी करे, वो ताउम्र आपकी होकर रहे, या प्रेमिका ऐसा नहीं चाहती अपने प्रेमी के लिए, तो ये वशीकरण जो है इन सभी के लिए प्रचंड वशीकरण है। इस विधि को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सही प्रकार से कीजिएगा। और एक और मेरी खास बात कि किसी भी गलत मंशा से वशीकरण का प्रयोग नहीं कीजिएगा। इसलिए वशीकरण विधि को करने से पहले कई बार सोच समझ कर इस विधि को अपनाइएगा, मैं आपसे बार बार ये कहूंगी। और वशीकरण का एक सबसे पहला नियम है कि जब आप वशीकरण कर रहे हो तो कोई आपको देखे ना। जी हाँ, कोई व्यक्ति आपके आसपास ना हो, आप अकेले हो, एक ऐसे स्थान पर हो जहां आप अकेले हो, एकाग्रचित हो, तभी आप जो है इस विधि को कर पाएंगे, इस विधि का असर पूर्ण रूप से हो पाएगा। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूं कि सिर्फ एक मंत्र के माध्यम से कैसे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा दिन व्यतीत करने के बाद शाम को, रात को जब आप रात्रि में सोने जाते हैं तो उस समय इस विधि को करना है। और करना कैसे है आइए बताते हैं। आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस दिन सोने जाइए, और सोने जाने से पहले जब आप अपने बेड पर, अपने गद्दे पर, जहां भी आप सोते हैं वहां पर बैठेंगे, तो इस तरह आसन लगाकर एक बार बैठिए और अपने हृदय पे हाथ रखकर उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं। सही कहूं तो उसका सिमरन कीजिए, और इस हद तक कीजिए कि उसका चेहरा आपकी आंखों में उतर आए। और उसके बाद आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे उसके बाद आप सो जाएंगे, सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति किस तरह पागल हो रहा है आपसे बात करने के लिए, किस तरह सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनना चाहता है। अगर कोई माता है तो उनका बेटा सिर्फ उनकी आज्ञा मानेगा, किसी और की नहीं सुनेगा। अगर कोई पत्नी है तो उसका पति इस तरह उसके आसपास घूमेगा कि बस उसके सिवा दुनिया में कोई और है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो इस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनिए। और मंत्र है, ओम नमो भगवते त्रिलोकचन मम वश्यम करु करु स्वाहा। ओम नमो भगवते त्रिलोकचन मम वश्यम करु करु स्वाहा। एक बार और मंत्र बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते त्रिलोकचन मम वश्यम करु करु स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है, व्यक्ति का नाम लेना है। भाग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हृदय पे हाथ रख कर ये पूरी विधि करनी है, कोई आपको देखे ना इस बात का भी ध्यान करना है। 3 दिन के अंदर अंदर वो सदस्य आपके वश में हो जाएगा, लेकिन विधि को पूरा जरूर कीजिएगा। अगर वशीकरण समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर बात कर सकते हैं। नमस्कार।